हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ क्वेको माउटाई कंपनी। यस, यू हियर राइट, क्वेको माउटाई कंपनी। आपने सुना हो इसका नाम, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। दोबारा बता दूं, क्वेको माउटाई एक कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, जो कि चाइना कंट्री बेस्ड कंपनी है। ये लिक्वर या आप कह लीजिए अल्कोहल या फिर बेवरेज, यानी कि जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रिंकिंग चीज़ें होती हैं, उसको बनाने के लिए स्पेशली वोडका, दारू, बियर वगैरह, अल्कोहल से जुड़े हुए ये लोग ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जिसको लेकर ये कंपनी एज अकॉर्डिंग टू इसके मार्केट कैप के हिसाब से सबसे नंबर वन है पूरे वर्ल्ड में। मार्केट कैप मतलब जो दुनिया भर से जितना इसको रेवेन्यू आता है, जितनी इनकम आती है, जितना इसको कमाई आती है, टोटल पैसा जो आता है, उसमें से आप हटा सकते हैं बाद में जो इनकी कमाई है, जो इन्होंने प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को देने में लगाया, वो हटाकर आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम क्वेको माउटाई, एक कंपनी जो कि भारत देश तो नहीं, ये चाइना कंट्री बेस्ड एक कंपनी है, क्वेको माउटाई, और ये कंपनी अल्कोहलिक बेवरेज की कंपनी है। मतलब कि ये वो ड्रिंकिंग पदार्थ या वो ड्रिंकिंग चीज़ों को बनाती है जो कि अल्कोहलिक होते हैं, मतलब जो अल्कोहल यानी नशे वाले होते हैं, अल्कोहलिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी जो कि आपकी क्वेको माउटाई है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल समझाएंगे। सबसे पहले आप ये सब देखिए, मैं पूरा समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये पूरा इसका बिजनेस मॉडल। तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले ये समझें, मैं अभी आगे बढ़कर पूरे पॉइंट क्लियर करता हूँ इसके बारे में। देखो भाई लोगों, जिस कंपनी के बारे में मैंने आपको भी बताया ना, जो क्वेको माउटाई है, ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर वन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनियों में आती है। ये कंपनी दुनिया भर के जितने भी वो लोग हैं जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, देखिए नशे की चीज़ जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही आए, सॉलिड फॉर्म में भी आपने देखा होगा, है ना। चरस, आप लोगों ने चरस और गांजा जैसे सब सुने होंगे, तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब ये है इस वीडियो में आपको ये बताना कि लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के नाम, उसके अंदर जो नंबर वन है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे। जैसे कि तुम सब लोग देख रहे होगे क्वेको माउटाई, किसी ने सुना है, नहीं सुना, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट सब लोग जानते हैं एक चीज़ को कि चाइना बेस्ड, चाइना देश में कंपनी है क्वेको माउटाई, और ये कंपनी जो है वो अल्कोहलिक बेवरेज में #1 पर आती है। मतलब
हैशटैग नंबर वन का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के जो है ड्रिंक्स बिकते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक बिकते हैं, या फिर बेवरेजेस जो अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, यानी कि पीने वाले लिक्विड टाइप पदार्थ जो कि अल्कोहलिक होते हैं, वो चाइना देश की जो क्वैको माउटाई है इस कंपनी के ही बिकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं इसका बिजनेस मॉडल क्यों समझा रहा हूँ। देखिए, आप अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहते हो, अगर आप समझ जाते हो, तो आप इसका मतलब यह है कि कल को आप भी कोई नई अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी या अल्कोहलिक ड्रिंक की कंपनी अगर आप कल को चलाएंगे, खोलेंगे, या लिक्वर की कंपनी खोलेंगे, मतलब कि अगर आप अल्कोहल में, जैसे कि दारू, हिंदी में हम उसको दारू कहते हैं, वैसे तो वोडका हो गया, वाइन, वाइन वोडका, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप जिसको बियर कहते हो, ये सब कहते हैं ना जो लोग, वो सारे अल्कोहल ड्रिंक होती हैं सारी, तो मतलब उसमें नशा होता है। तो आप सब लोगों को ये तो जानना ही होगा कि अगर हम कल को, अगर आगे ऐसी कोई कंपनी अगर आप कल को खोले, तो उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत बड़ा बना सकते हो वर्ल्ड के अंदर। तो उसी लिए मैं, क्वैको माउटाई का एक कंपनी है, क्वैको माउटाई एक कंपनी का नाम है, उस कंपनी का मार्केट कैप 240 बिलियन है। आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल अमाउंट कितना होता है अगर आप INR में पूछेंगे, इंडियन नेशनल रुपीज़ में अगर आप इसको पूछते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़, और अगर ये डॉलर में है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका 100 टाइम्स करीब आप INR में इसको लगाएंगे, है ना। तो कंपनी बहुत बड़ी है, जो कि चाइना देश से शुरू हुई थी, और समय हो गया इसको आज मार्केट में, और आज ये जो कंपनी है क्वैको माउटाई, इसका टोटल आप नेटवर्थ देखिए 240 बिलियन प्लस है इसका मार्केट कैप, समझ रहे हो। चाहो तो आप इन कंपनियों की अर्निंग्स, रेवेन्यूज देख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूंगा कि क्वैको माउटाई एक कंपनी है जो कि चाइना देश बेस्ड है, मतलब चाइना से शुरू हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ड्रिंक आपको दूसरे देशों में नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी ड्रिंक आपको दूसरे देशों में मिल जाएगी आसानी से। आप अगर रशिया में हो, यूक्रेन में हो, या फिर नीदरलैंड में हो, अमेरिका में हो, या फिर बेल्जियम में हो, या फ्रांस में, ब्राज़ील में हो, या फिर मैं मान लेता हूँ जापान में, डेनमार्क में, या भारत में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, नाइजीरिया में, और इसके अलावा आपकी फिनलैंड में, और लाओस, केन्या, युगांडा, कुवैत, और इसके अलावा कतर, दुबई वाला एरिया, कैनेडा, इसके अलावा चड, ब्रिटेन, ब्राज़ील, और जकार्ता में, पेरू में, और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका में। आप अगर कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, तो आप इसका ब्रांड ज़रूर देखोगे। इसका आप आसानी से आपको इसका ड्रिंक मिल जाएगा आपके वहाँ पर, क्योंकि ये वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका वॉर्थ है, सबसे ज़्यादा कमाती है ये कंपनी। बिल्कुल आपने सही सुना है। आपको बता दूं दोस्तों, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इसका, मतलब सबसे ज़्यादा इसको रेवेन्यू आता है। टोटल जो लोग खरीद के इसको, जो आप मान लीजिए इस कंपनी का आप ड्रिंक लोगे ना, तो उसके पास जो, इस कंपनी के पास जो पैसा अमाउंट पहुँचेगा, उसका टोटल सम 240 बिलियन डॉलर का है। 240 बिलियन डॉलर मतलब कितना हो जाता है, आप सोचिए, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो 240 बिलियन कितना हो गया, तो आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि मैं इसका अमाउंट क्लियर कर दूंगा, पूरा इसका बिजनेस मॉडल समझाएंगे इस वीडियो में। कल को आप इस तरीके की कंपनी खोल रहे हैं वर्ल्ड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस फील्ड में, उस कैटेगरी में किस तरीके से नंबर वन बिजनेस होल्डर बनेंगे, उस बिजनेस को चलाने वाला नंबर वन कैसे बनोगे, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी कंपनी खोलते हैं, तो उसको आप, ऐसा तो है नहीं कि उसको आप डोमेस्टिक या नेशनल तक ले जाएंगे, नहीं, हर कोई यही सोच के खोलता है कि मैं उसको धीरे धीरे बढ़ा के एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊंगा, और हर देश में उसको अवेलेबल करा के हर देश तक अवेलेबल होऊंगा, हर देश की हर जगहों तक पहुँचूंगा उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर या सर्विस को लेकर। सबका एम यही होता है, बट कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं कि कुछ टाइम पर, जैसे उनका थोड़ा बड़ा बिजनेस बढ़ा, तो कुछ टाइम बाद वो लोग उसको वहीं छोड़ के फिर नया बिजनेस करते हैं, ये कई बार देखा होगा आपने। इसका कारण क्या होता है कि उनको पता नहीं है, एक्चुअल एक्चुअल आइडिया नहीं है कि कैसे उस बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्चुअल में कैसे उसको बड़ा बनाते हैं।
तो उसी में एक क्वैकोम माउटाई कंपनी है जो कि चाइना देश की है, और चाइना देश की नंबर वन है और वर्ल्ड में भी रैंक वन है इसकी। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो, इसका शेयर जो आप अगर आप अभी आज को अगर जाते हैं स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग के लिए आप चाहोगे अगर इसका स्टॉक खरीदने, तो इसका जो शेयर है वो 192 पॉइंट डॉलर है, मतलब $200 के करीब करीब इसका है शेयर अमाउंट अभी, तो $2000 हो जाता है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा $200 है, तो आप इसको रुपीज़ में करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 200 है तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2000 और 20,000 रुपये तक, ठीक है जी, 200 लिखा है ना, तो आप इसको कर दीजिए 10 से तो 2000 यानी कि 20,000, लगभग 17-18 हज़ार रुपये का इसमें जो है शेयर चल रहा है, मतलब शेयर भी काफ़ी महंगा है इस कंपनी का, जिसका नाम है क्वैको माउटाई। क्वैको माउटाई का टोटल मार्केट कैप आपने देख लिया $200 है, यानी लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये का इसका एक शेयर है इस कंपनी का, ठीक है, तो इस तरीके से समझ आ गया सब लोगों को। हाँ, तो हम इसका पूरा पूरा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का समझेंगे, कुछ कंपनी और आपको बताएंगे इधर जो कि वर्ल्ड में अल्कोहलिक बेवरेज की नंबर वन पर आती है, मतलब नंबर वन नहीं, टॉप 10 या टॉप 20 में आती हैं। बेवरेज मतलब लिक्विड पदार्थ, कोई भी लिक्विड ड्रिंक टाइप हो गया, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया या फ्रूट ड्रिंक हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बेसिकली कोई भी ड्रिंक हो गई, वाटर को हटाकर जितने भी पीने वाली चीज़ें हो गई वो सब बेवरेज कहलाती हैं। और अल्कोहलिक बेवरेज मतलब उस ड्रिंक में, उस लिक्विड में नशा डाल दें, तो नशे की चीज़ें डाल दें तो वो एक अल्कोहलिक बेवरेज कहलाता है। और अल्कोहलिक बेवरेज कंपनियों में वर्ल्ड में क्वैको माउटाई और इसके अलावा एन ह्यूस ह्यू एन ही यूज़र बक इन बेव, ये भी ये बेल्जियम से है, ये भी इसका जो बता दूँ आपको ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, ये कॉम्पीट कर सकती है अगर करे तो क्वैको माउटाई से। हालांकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 120 बिलियन तक का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस काफ़ी बड़ा है इन दोनों में। डियागियो और इसके अलावा वुलियान ग्वे जीविल, ये सब कंपनियों के नाम हैं। आप इन कंपनियों के नाम को देखकर ये ना सोचें बड़े अजीब से नाम है, वहाँ जहाँ इस जहाँ पे इन कंपनियों ने अपने नाम रखे हैं, जिस देश में जिस जगह पे, वहाँ पर ये सब कॉमन है, मतलब इस तरीके के नाम, इस तरीके की वर्डिंग कॉमन सी है, वो इस तरीके के ही नाम होते हैं उनको। आप जैसे आप किसी, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कुछ लिस्ट में दिखाऊं तो भारत में एक कंपनी है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स नाम रखा है इन लोगों ने, तो लोग कहेंगे अरे ठीक है ये तो एक कॉमन सा नाम है, एक अच्छा नाम है, सही से समझ आ रहा है। वहीं अगर लोग इन कंपनियों के नाम देखेंगे क्वैको माउटाई, तो वो चाइना में आसानी से लोगों को समझ आएगा हाँ यार ये तो एक कॉमन सा नाम है ना। दूसरे देश वालों के लिए थोड़ा सा इसमें जो है अलग हो जाता है समझना कि ये कैसे एक ऐसा नाम है, बट नाम से ज़्यादा उसके काम को समझना ज़रूरी है। तो इस कंपनी का जो मॉडल है, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, वही हम इस वीडियो में लेंगे, पूरा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा देंगे आपको। अब इसको समझने के बाद आप चाहो तो कुछ और कंपनियां हैं अल्कोहल बेवरेज को लेकर, जैसे कि डियागियो और वुलियान गे जिबिल और इसके अलावा ही इनके इन्हें इन्हें केन और इसके अलावा कॉस्टेलेशंस ब्रांड्स, ये कंपनियों के नाम है, ये यूएसए यानी अमेरिका की है ये। और पर्नोड रिचार्ड या पर्नोड रिचार्ड जो है वो फ्रांस फ्रांस की कंपनी है, और उस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी पूरे देश में चलाना और दूसरे देशों में चलाना, जगह जगह अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल होता है, बट जब आप उसको चला लेते हैं, जब उसका अच्छा खासा ब्रांड ब्रांड मेकिंग हो जाती है ना, एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है, तो फिर आप समझिए फिर उसको फिर तो इनके लिए एक आम बात हो जाती है कि किस तरीके से जगह जगह उनकी ड्रिंक्स पहुंचेंगी, कैसे सप्लाई होगा, मार्केटिंग होगा, वो सारी चीज़ें। किसी भी कंपनी को चलाने में उसका मार्केटिंग, उसका सप्लाई और रिसोर्सेज के किसके सहारे वो मार्केटिंग कर रहा है या फिर कैसे वो सप्लाई दे पा रहा है, कैसे वो जो है उसका सप्लाई चेन वर्क करता है, उस पर डिपेंड करता है कंपनी कैसे चल रही है। तो इस वीडियो में हम क्वैको माउटाई कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। आप वर्ल्ड में किसी भी जगह से हो, पूरे विश्व भर में दुनिया के किसी भी एरिया से हो, चाहे हांगकांग से, जकार्ता से, जर्मनी से, वियतनाम से, या फिर कंबोडिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया से, कोरिया से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इसके अलावा नाइजीरिया से, जकार्ता और मालावी से, ठीक है जी, बहरीन से, लाओस से, और दूसरे जो रह गए देश, मेरे को माफ़ करना अगर आपका देश का नाम नहीं ले पाया हूँ इधर वीडियो में, बट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इट्स माई मिस्टेक कि मेरी गलती है भाई, मेरे को हर एक देश का नाम यहाँ पर मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना है। हालांकि आप वर्ल्ड में कहीं से भी हो तो आप समझिए इस जानकारी को। यहाँ पर क्वेको माउटाई कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरा एक्सप्लेन होगा, जो कि एक एल्कोहलिक बेवरेज की #1 कंपनी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसी के एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ड्रिंक्स बिकते हैं, स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक्स। याद रखिए, हर कंपनी, आप देखिए, आप बोलते हैं कि अल्कोहल कंपनी, तो हर कोई नशे वाली चीज़ें बेचने वाली कंपनी अल्कोहल कंपनी हमेशा ऐसा नहीं है कि वो बेवरेज की हो, मतलब ड्रिंक के तरीके से नशे की चीज़ बेचती हो, सॉलिड तरीके से भी बेच सकती है। तो लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेज मतलब कि नशे वाली ड्रिंक बेची जाती है, वो अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, 240 बिलियन डॉलर तक की ये कंपनी बन चुकी है। अगर आप मेरे से पूछे 240 बिलियन कितने होते हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पर 1 बिलियन 100 करोड़ होते हैं, ठीक है जी। अगर इसमें मान लीजिए, अगर ये 240 बिलियन है, अगर मान लीजिए 2 बिलियन होती तो ये 200 करोड़ हो जाता। अगर 20 बिलियन होती, अगर ये 20 बिलियन होती तो 2000 करोड़ हो जाता, और है ना, अगर ये 200 बिलियन है तो इसका मतलब 20,000 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है 250 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग 25,000 करोड़, ठीक है जी। 25,000 करोड़ ये इसके डॉलर में अमाउंट है। आप इसको अगर रुपए में करते हो तो इसके आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25,000 करोड़ को आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 25 लाख करोड़, ठीक है जी। एक और जीरो लगा दूंगा मैं तो आ जाएगा 2,50,000 करोड़, ठीक है। एक और लगा दूंगा तो हमारे को मिलेगा, ये मिल जाएगा 25 लाख करोड़ का अमाउंट मिलेगा। तो 25 लाख करोड़ तक का इसका वर्थ है अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इतनी जो है इनके पास इनकम है, इतना इनके पास टोटल मार्केट कैप है जो कि 25 लाख करोड़ का है। या भाई बिल्कुल, यू हियर राइट, ऑल थिंग यू आर हियरिंग इन दिस वीडियो, जो भी आप सुन रहे हो सब बिल्कुल सही सुन रहे हो। और आप खुद देखिए ना, 240 बिलियन है, यानी कि अगर 200 बिलियन होता तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। जब भी आपको बोला ना 10 बिलियन कोई बोल रहा है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 बिलियन तो 100 करोड़ होता है ना, उसमें दो जीरो आते हैं। अब 10 बिलियन में कितने लगाओगे दो जीरो और, तो 1000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से 100 बिलियन बोल रहा है कोई, तो आप 100, अगर किसी ने बोला 200 बिलियन तो 200 बिलियन के आगे आपको दो जीरो लगाने हैं, 20,000 करोड़, ठीक है। वहीं अगर 240 बिलियन बोला है तो इसका मतलब 24,000 करोड़ ये डॉलर हो गया। अब 24,000 करोड़ को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लगभग यहाँ पर 2,40,000 करोड़, और इसके आगे अलग 24 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ का वर्थ है इस कंपनी का। मजाक नहीं चल रहा है इस वीडियो में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो यानी 24 से 25 लाख करोड़ की टोटल इस कंपनी की वैल्यू है, मतलब लगभग 24 से 25 लाख करोड़ रुपए तक की ये कंपनी बन चुकी है रुपीज़ में, जो रुपए में होता है। तो रुपए में 24 से 25 लाख करोड़ की कंपनी क्वेको माउटाई है, जो कि चाइना बेस्ड है, जो कि अल्कोहलिक बेवरेज की है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसी को, इसी के हिसाब से अगर मैं यूएसए करेंसी में बात करता हूँ तो 24,000 करोड़ डॉलर की कंपनी बन चुकी है ये। मतलब आप अगर देखोगे ना, तो चाइना में इसकी कंपनी, चाइना में अगर चाइना देश की कंपनी है तो ये दूसरे देशों को चौंकाता है ये अमाउंट, बल्कि उनके देश में ये सामान्य है कि उनके देश में इतनी इतना वैल्यू एक कंपनी के पास होना एक सामान्य माना जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या है, हर कोई अपना खुद का बिजनेस करता है। जो दूसरे देशों में, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सपोज मैं बात बताऊँ तो अमेरिका रशिया की, अमेरिका रशिया और इसके अलावा फ्रांस की बात बताऊं, और ब्राज़ील है, या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप खुद देखिए वहाँ का बिल्डिंग्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का पूरा जो आप एनवायरनमेंट देखोगे पूरे एरिया का, तो आपको लगेगा कि यहाँ तो सब कोई खुद का बिजनेस करता होगा, कुछ ही लोग होंगे जो खुद की बिजनेस की जगह जॉब करते होंगे। तो वही सीन है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये चाइना बेस्ड कंपनी है और 24 लाख करोड़ का इसका टोटल वैल्यू है, इसका मार्केट कैप है। और अगर ये लाख के अंदर है, ये मतलब INR मतलब भारतीय करेंसी, भारत के रुपए में ये 24 लाख करोड़ हो जाता है। वहीं अगर आप चाइना में कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए आपको युआन पर युआन से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसमें डॉलर में बात करूँ तो डॉलर में 24,000 करोड़
टोटल इसकी वॉर्थ है डॉलर में, मतलब 24,000 करोड़ का ये कंपनी है। 24,000 डॉलर में इसका कंपनी का अमाउंट है। अगर आप बिलियन से हटा के डॉलर करते हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आप डॉलर कन्वर्जन जानते हो तो अच्छी बात है। डॉलर कोई भी अमाउंट डॉलर का होता है तो उसको रुपए में कन्वर्जन के लिए 80 या 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डॉलर जो है एक बड़ा अमाउंट है और रुपीज़ रुपीज़ जो है वो छोटा अमाउंट जो है, रुपीज़ जो है वो छोटा है। मतलब कहीं ना कहीं 100 रुपये या 90 रुपये लगा के 1 डॉलर के करीब पहुंचता है इंसान। ये इस सीन है, मतलब कि भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू चाइना का और यहाँ पर अमेरिका का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो 24 लाख करोड़ का इसमें आपको पता लगेगा, और इसी को अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हो तो 24,000 करोड़ डॉलर, 24,000 करोड़ डॉलर का इसमें आपको पता लगेगा। ठीक है, बिलियंस में तो आप देख ही रहे हो, तो मैंने कन्वर्जन बताया है जिससे कि आप एक्चुअल अमाउंट समझ सकें। ये मार्केट कैप आप आसानी से एन ही यूज़र बस्क इन बेव कंपनी है, ये सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड के अंदर आती है एल्कोहलिक बेवरेज के लिए, मतलब कि लिक्विड के तरीके से एल्कोहल बेके जाने वाली कंपनियों में। मतलब कि एल्कोहल बेक रहे हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में बेका जा रहा है, तो वो एक एल्कोहलिक बेवरेज होता है। मतलब कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स की टॉप कंपनियों में ये सारी आती हैं। ठीक है, अब मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा, मतलब इनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो एल्कोहल सॉलिड फॉर्म में भी बेचती होंगी, बट ये सारा लिस्ट इनका लिक्विड फॉर्म का है, यानी एल्कोहलिक बेवरेज इन लिक्विड फॉर्म में ये सब आते हैं। ठीक है, टॉप के अंदर ये वर्ल्ड लेवल का लिस्ट है, तो ये मैंने आपको दे दिया है किसी को चाहिए हो, और ये इसलिए भी काम आएगा कल को आप कॉम्पीट करोगे इस मार्केट में, जाओगे इस तरीके की कंपनी को लेकर खोल कर, तो आप किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, कैसे बड़ा बनाओगे उसको, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से होगी, ये समझने के लिए इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है क्वेको माउटाई, ये सबको पता होना चाहिए। इसीलिए हम क्वेको माउटाई का पूरा बिजनेस मॉडल इधर डिस्कस करने आए हैं आपके साथ, जो कि #1 है पूरे वर्ल्ड में, चाइना बेस्ड है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर लेना, कमेंट में बता भी देना मुझे कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया वो कैसा लगा, और साथ साथ कमेंट में नए टॉपिक जो भी आपके न्यू टॉपिक्स हों वो मेरे को ड्रॉप करके बता देना, मैं उस पर वीडियो ले लूँगा। दूसरा, किसी की भी कोई कंपनी है, अगर वो किसी उसको अपने सर्विस को प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहता हो या फिर वो ऐड करवाना चाहता हो या किसी उसको अगर स्पॉन्सर करना हो तो भी, पेड पार्टनरशिप करनी हो तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को यहाँ पर अपना ब्रांड का प्रमोशन कराना हो तो वो भी मेरे को डायरेक्ट DM कर ले। इसके साथ साथ किसी को हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, किसी वर्क की ज़रूरत है मेरे द्वारा, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है या DM कर सकता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अबाउट सेक्शन में डाल रखा है। आप वर्ल्ड में किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, किसी स्टडी को पढ़ रहे हो, आपको पुलिस बनना है, सिविल में जाना है, डॉक्टर बनना है, मेडिकल से जाना है, या फिर आपको एयरलाइन में जाना है, या वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में जाना है, आप मुझे डायरेक्ट बता देना, मैं उसकी प्रिपरेशन करा दूंगा इसी चैनल पर, पूरा गाइडेंस वगैरह बता दूंगा। ठीक है जी, ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है जी, टेलीग्राम पर, और भी हम स्नैपचैट पर भी हैं और टिंडर पे भी। हालांकि टिंडर पे आप क्या ही करोगे, टिंडर तो अलग चीज़ है, हम इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। मैं आपको बता दूं लगभग 10 से 12 प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं। हमारा वेबसाइट भी आ चुका है, ऐप वगैरह भी हमारे निकल चुके हैं, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट से भी जुड़ सकते हो जो हमने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, हम ऑनलाइन बेस्ड में हर सेक्टर में काम करना करते हैं और ऑफलाइन बेस्ड में हम अभी सिर्फ एजुकेशन साइड में काम करते हैं। हमारे बारे में आपको पता लग गया, तो 24 लाख करोड़ प्लस इसकी वॉर्थ है इस कंपनी की। इसका बिजनेस मॉडल पूरा यहाँ पर हम समझ लेंगे। अगर आप इस लिस्ट को देखते हो तो आप बाय मार्केट कैप से देख सकते हो। अर्निंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अर्निंग में भी सबसे ऊपर क्वेको माउटाई ही आता है, क्योंकि अर्निंग अच्छी खासी, मतलब अर्निंग मतलब कमाई, आप देखो 15 बिलियन की तो कमाई है, सोचिए पूरी कंपनी की वॉर्थ में से सिर्फ 15 बिलियन की इनकी अर्निंग्स हैं। ठीक है, अब अर्निंग्स इनका कितना परसेंट हो गया आप खुद सोचिए। आप कहेंगे पूरी कंपनी की जो वैल्यू है, ठीक है, पूरी कंपनी के पास जितनी भी कमाई आ रखी है उसका उसकी उसके अंदर में से अर्निंग इस कंपनी की कितनी है, 24, यानी कि लगभग 10% हो जाता है, उतना भी नहीं है, यानी लगभग लगभग 7 से 8% है। मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू का 7 से 8% कंपनी ने कमा रखा है। ठीक है, यानी कि ये इनकी कमाई है। टोटल नेटवर्थ या मार्केट कैप मतलब होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। भाई देखिए, ये तो कमाई है ना, अलग से उन लोगों ने कमा भी इतना लिया,
15 बिलियन यानी लगभग लगभग 1500 करोड़ डॉलर, यानी कि करीब करीब आप सोच सकते हैं 1500 करोड़ डॉलर में आ जाता है ये आप लोगों को, तो लगभग इसका हो जाता है 15,000, 1,50,000, 1,50,000 करोड़ रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपीज इनके पास आ रखे हैं। तो सोचिए 1,50,000 करोड़ रुपीज इस कंपनी ने सिर्फ कमा रखा है। 24 लाख करोड़ रुपए में से इस कंपनी ने अकेले ने 1 से 2 लाख करोड़ रुपए उसमें सिर्फ और सिर्फ इनका प्रॉफिट है, तो इतना तो आ ही सकता है आराम से। अब सोचिए इस कंपनी का प्रॉफिट आप हटा दोगे तो सोचिए बाकी सारा पैसा लगा हुआ है मार्केट में इनका, वो मतलब बाकी सारा पैसा इनका मार्केट में है जिसके बिहाफ पे इनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड की मोस्ट 22nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, मतलब पूरी दुनिया में आप लाखों कंपनियां देख रहे हो, उन लाखों कंपनियों में से लाखों करोड़ों कंपनियां जो पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति चला रहा है अलग अलग तरीके का काम करके, उनमें से जो ये वाला कंपनी है ना, जिस कंपनी का नाम अभी सुन रहे हो, ठीक है, ये कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट सेकेंड वैल्यूएबल कंपनी है, मतलब कि मोस्ट 22nd, मतलब 22वें नंबर पर आती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी पे पैसा है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो यही है 22nd नंबर पर, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंपनी में जिसके पास पैसा है उसमें ये 22nd नंबर पर आती है। ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे। मार्केट कैप आप देख सकते हो, अर्निंग्स में आपको लिखा आ रहा है कि किस इस कंपनी की कितनी अर्निंग्स है, अर्निंग्स मतलब इसके पास कमाई, इसके बाद जो सेकंड रैंक पर आती है उसकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है, अच्छा कमा लेती है वो भी। इसका शेयर प्राइस आप देख लेना। अब देखिए मैं आपको बता दूं अभी क्या है, अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस में थोड़ा सा जो है ये थोड़ी अच्छी नहीं चल रही, परफॉर्मेंस वाइज अगर रेड चल रहा है मतलब कि लोग इसका शेयर कम ले रहे हैं, सेकंड नंबर वाली कंपनी का शेयर ज़्यादा ले रहे हैं लोग अभी, क्योंकि वो कंपनी अपना शेयर सस्ते में दे रही है, और ये बेल्जियम देश बेस्ड है, मतलब कि ये बेल्जियम से शुरू हुई थी ये कंपनी। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने उसी देश में काम कर रहे हैं, जैसे चाइना और फ्रांस और अमेरिका और ब्राज़ील और नीदरलैंड में जो शुरू हुई हैं ये कंपनियां, ऐसा नहीं है कि ये लोग वहीं काम करते हैं, बल्कि ये लोग मार्केट बेस्ड में इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, हर देश में, आपके देश में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू तो आपको पता ही है कितना है, देखिए इनको रेवेन्यू कितना है, इतना इनकम आया है। ठीक है, रेवेन्यू भाई साहब इनकम होता है। ठीक है, मार्केट कैप मतलब पूरी वैल्यू कितनी है कंपनी की, रेवेन्यू मतलब इनके पास इनकम कितना आ रहा है, तो रेवेन्यू आप कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू भाई फिस्कल ईयर से हिसाब से आता है, फिस्कल ईयर मतलब होता है पूरे साल का, जैसे कि 11-12 महीने में पूरी कंपनी के पास कितना इनकम आया, कितना पैसा आया, उस तरीके का होता है हिसाब। ठीक है, रेवेन्यू कुछ इस तरीके से होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम से निकाला जाता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कितना इनकम आया है ना। और अगर आप इसका पीई रेशो देखोगे, पी और स्लैश ई रेशो, यानी कि पीई रेशो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कंपनी जो है दैट इज जनरेटेड हाई अर्निंग कंपेयर टू इट्स करेंट वैल्यूएशन एंड माइट बी अंडर वैल्यूड, अ कंपनी विद अ हाई नेगेटिव नियर जीरो पी स्लैश ई रेशो जो स्टैंड करता है फॉर अ कंपनी दैट इज जनरेटिंग हैवी लॉसेस कंपेयर टू इट्स करेंट वैल्यूएशन। पीई मतलब होता है प्राइस प्राइस स्लैश अर्निंग्स, मतलब कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को बेच रहे हो 40 रुपये में, ठीक है जी, और उस 40 रुपये को बेच 40 रुपये में किसी चीज़ को आपने बेचा, उस 40 रुपये को मैं आपने उस चीज़ को बेचा है, बट आपको उसमें जो कमाई हुई है अर्निंग्स हुई है वो मान लीजिए 8 रुपये की हुई है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो पी ई रेशो भी लोग निकालते हैं, तो पी ई रेशो किसका कितना है वो आप यहाँ से देख लो। ठीक है, मतलब किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को या किसी आइटम को या किसी ड्रिंक को या किसी भी चीज़ को आप अगर सेल कर रहे हो तो उसका प्राइस स्लैश अर्निंग कितनी आई आपको उसके अंदर, मतलब कितने में बेका वो और उसके अलावा अर्निंग कितनी आई, उसका रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इससे भी हमें ये पता लगता है कि कंपनी के कैसे चल रही है, अच्छी चल रही नहीं चल रही। डिविडेंड इसमें दे रखा है, डिविडेंड मतलब आप इसको डिविडेंड मतलब परसेंटेज, मतलब कि ओनरशिप परसेंटेज होती है कि भाई उस कंपनी के पास खुद के पास उसकी ओनरशिप कितनी है। सपोज आप यहाँ पर ये सारी कंपनियाँ देख रहे हो, जितने भी ये नाम देख रहे हो, तो इसमें डिविडेंड आप देख सकते हो, मतलब इन ये वो कंपनियाँ हैं ड्रिंकिंग साइड में, यानी कि अल्कोहलिक बेवरेज की साइड में ये वो लिस्टेड कंपनियाँ हैं जिनकी जिनके पास अपनी खुद की ओनरशिप ज़्यादा है उस कंपनी की। जैसे कि आप देखोगे ना क्वैको माउटाई कंपनी जो है वो लगभग 4% ओनरशिप उसकी खुद के पास है, आई थिंक इसका मतलब यही है डिविडेंड परसेंट
ये ओनरशिप का ही होगा या किसी और चीज़ का भी हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब ये ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको मार्जिन कितना आ रहा है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो तो क्वेको माउटाई जो है वो 70% इसका मार्जिन है, और जो आपने सेकेंड नंबर पर देखी थी पहले कंपनी उसका मार्जिन कम है क्योंकि वो 21वें नंबर पर आती है मार्जिन मार्जिन के तरीके में। मार्जिन आपको पता होना चाहिए, मार्जिन एक टर्म होता है कि भाई कितना उसको मार्जिन मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे सपोज़ आपने कोई चीज़ बना दी रेडी कर दी, वो अगर 40 रुपये में रेडी करी और उसको आप 70 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको अगर इसमें आपने 40 में बनाई और 70 में बेच दी, अगर वो 70 में बिक गई तो बीच में जो आपको रेवेन्यू आएगा वो मतलब बीच में जो आपको मार्जिन वो 30 रुपये का आ जाएगा। अगर ये 70 रुपये में बनी है, रुपये में समझा रहा हूँ क्योंकि भारत को रुपये में समझ आ जाएगा, ऐसे ही मैं डॉलर में बोलूँगा तो यूएसए आराम से समझ जाएगा, इसी तरीके से दूसरे देश जहाँ डॉलर चलता है वो लोग भी समझ जाएंगे। तो जो $40 में चीज़ बनी, $70 में उन लोगों ने बेक डाली, तो इसमें उन लोगों को क्या हुआ कि $30 का रेवेन्यू वहाँ से हो गया, समझ रहे हो। तो यही इसमें मार्जिन होता है, तो मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख लो। तो जितने भी ये लोग हैं इसमें से आप देखो मतलब कि ये जो 21st नंबर पर आ रही है जो एन ही यूज़र बक इन वेव है, ये 21st पर आती है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा लोगों से कमाना नहीं चाह रही, मतलब मार्जिन इसको इतना नहीं चाहिए, इसको मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलता है, ये मतलब अपनी चीज़ों को सस्ते में बेचती है, ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग नहीं बना रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से जो वर्ल्ड की नंबर 1 है, वो नंबर 1 बनी कैसे होगी, उसने प्रॉफिट बनाया होगा लिया होगा तभी तो बनी होगी। इसी तरीके से जो क्वेको माउटाई है उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ऑपरेट करती है, तो उसका जो उसको ऑपरेट करने से जो मार्जिन आता है वो अच्छा खासा आता है। इसमें एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो जो आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसमें जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, उसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, सिर्फ 31,000 लोगों को ही उसने जॉब दे रखी है अपने पास। हालांकि जो दूसरे लोग हैं जैसे कि एन ही यूज़र बस्क इन वेव, तो इन लोगों ने लगभग 1,55,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। हालांकि इनको पता है कि इनको अभी मार्केट बेस्ड में अपने बिजनेस को बहुत आगे पीक पे ले जाना है क्योंकि इनको सेकेंड रैंक से हटके 1 पर आना है। इतने एम्प्लॉयज़ के बाद भी नहीं आ रहे ये लोग, और ये देखिए इसके पास कितने कम एम्प्लॉय हैं, तो सोचिए इसके पास 31,000 के करीब करीब एम्प्लॉय हैं, लगभग 30,000 31,000 एम्प्लॉय होने के बाद भी ये वाला रैंक 1 पर आता है मोस्ट अर्निंग में, और इसकी यही सबसे #1 है अगर आप इसकी अर्निंग्स की बात करो या मार्केट कैप की बात करो, ठीक है, अर्निंग में भी ये नंबर 1 पर है। तो वही मैं आपको समझा रहा था। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये आपने बताया अल्कोहलिक बेवरेज, अब हमें ये भी बता दो कि लिक्वर और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो लिक्वर इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल, मतलब लिक्वर एक तरीके का अल्कोहल होता है, मतलब अल्कोहल का टाइप है लिक्वर, बट नॉट ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस आर लिक्विड, मतलब लिक्वर, ठीक है, हम लिक्वर बोलते हैं। तो लिक्वर आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करते हो तो दिखेगा शराब, एक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है मतलब कि नशा है उसके अंदर। शराब जो चीज़ होती है ना वो एक तरीके का अल्कोहल होती है क्योंकि उसमें नशा होता है, तो सिंपल सी बात है कि एक नशे का प्रकार होता है लिक्वर, ठीक है जी। तो लिक्विड इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल मतलब नशा, और शराब शराब एक है, वो शराब क्या होता है, शराब मतलब होता है जिसके अंदर नशा होता है, तो लिक्विड इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का मतलब नशा और लिक्वर का मतलब शराब, और शराब जो होती है वो एक नशे का प्रकार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब पार्ट में लिक्विड आता है, तो लिक्विड इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल बट नॉट ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस आर, सारे जितने भी एल्कोहल ड्रिंक बन रहे हैं वो सारे शराब हों ये जरूरी तो नहीं, कुछ बियर होते हैं कुछ वोडका होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंस आया ना, तो वही, तो लिक्वर मतलब शराब होता है, ठीक है भाई। तो लिक्वर इज़ अ डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज, मतलब लिक्वर जो होता है एक डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज होता है, मतलब उसमें लिक्विड, तो बेवरेज मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है और शराब लिक्विड फॉर्म में आती है, विच मीन्स इट मेड बाय डिस्टिलिंग फर्मेंटेड ग्रेन्स, मतलब कि ये जो है बनती है बाय डिस्टिलिंग फर्मेंटेड ग्रेन्स से बनती है। फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं शराब में, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी उधर होते हैं और शुगर चीनी भी होती है उसके अंदर, ठीक है। द डिस्टिलेशन प्रोसेस जो इसको डिस्टिल करा जाता है वो कंसनट्रेट करता है द लिक्विड पे कि वो लिक्विड फॉर्म में लेकर जाए इसको बनाए, विच इंक्रीज, ये इंक्रीज कर देता है इट्स एल्कोहल कंटेंट बाय वॉल्यूम, मतलब इसमें एल्कोहल, इसके आप देखिए फ्रूट को शुगर को इन सब चीज़ों को लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है ना, जब इसको लिक्विड में जब
डिस्टिल किया जाता है। तो ये यहाँ से करते क्या है कि इनका मेन कंसेंट्रेट रहता है कि लिक्विड में बने, ये सारा कुछ लिक्विड फॉर्म में जाए, विच इंक्रीज इट्स एल्कोहल कंटेंट बाय वॉल्यूम। इसकी वजह से इसका जो एल्कोहल कंटेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय वॉल्यूम से, एंड एल्कोहल प्रूफ। तो लिक्वर आर ऑफन स्वीटर, लिक्वर जो होते हैं वो थोड़े मीठे होते हैं, जो शराब जो होती है वो मीठी होती है थोड़ी, एंड ये बता रहे हैं, एंड हैव मोर फ्लेवर देन अदर ड्रिंक्स, और इनके पास ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं दूसरी ड्रिंक्स से, एंड सम टाइम एक्स्ट्रा जूसेस एंड फ्लेवर्स आर एडेड। कभी कभी इनके अंदर कुछ जूस और कुछ फ्लेवर्स भी हम लोग वो बनाने वाले ऐड करते हैं। वही इन लोगों ने ये AI बेस्ड समझाया है, और मैंने भी आपको ये चीज़ क्लियर करी कि भाई लिक्वर और अल्कोहल में डिफरेंस अभी भी वर्ल्ड में बहुत लोगों को नहीं पता है। लिक्वर मतलब अल्कोहल मतलब नशा होता है, और लिक्वर मतलब शराब होता है, ठीक है जी। तो अल्कोहल मतलब क्या हो गया, नशा। तो जो नशा है वो तो अल्कोहल, आई थिंक ये इसमें स्पेलिंग गलत है, तो वो अल्कोहल हो जाएगा, बट लिक्वेर का मतलब शराब होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नशा, हर नशे की चीज़ बहुत सारी होती हैं, बट उसी में से एक शराब भी आता है इसके अंदर। तो ये इसीलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये इस कंपनी का मैं बिजनेस मॉडल समझाने जा रहा हूँ। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शराब की कंपनियाँ हो गई, जो शराब की कंपनी हो गई या फिर अल्कोहल बेवरेज की कंपनी हो गई जो अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में बेच रही हैं, या फिर अल्कोहल बेस्ड कंपनी हो गई, चाहे वो किसी भी फॉर्म में अल्कोहल बेच रही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कमाती हैं वर्ल्ड में। ऐसी ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में सच है। क्योंकि आप खुद देखिए, जिस कंपनी का मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्ट, जो इस सेक्टर के अंदर एल्कोहल बेवरेज की कंपनी है, वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में 22nd नंबर पर आती है, यानी 22वें नंबर पर आना वर्ल्ड के अंदर उस सेक्टर में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब दुनिया भर की अलग अलग सेक्टरों में चल रही कंपनियों में से वो अकेली एक कंपनी 22nd नंबर पर मोस्ट वैल्यूएबल में आती है। बाकी कंपनियों के नाम आप समझ सकते हो। एक चीज़ ये भी बोलेंगे लोग कि बेवरेज क्या है, तो बेवरेज एक ड्रिंक होती है, कोई पेय पदार्थ, मतलब कि कोई भी ड्रिंक, किसी भी तरीके की ड्रिंक होगी तो वो एक बेवरेज, उसी को बेवरेज कहते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे एनी पोर्टेबल लिक्विड स्पेशली वन अनदर देन वाटर एज टी, अगर जैसे मान लीजिए टी है, एज टी कॉफ़ी और बियर, बियर बियर हो गई या फिर मिल्क हो गया, द प्राइस ऑफ द मील इंक्लूडेड बेवरेज, इन जो प्राइस होता है उस मील का वो इंक्लूडेड अ बेवरेज, वो इंक्लूड होता है एक बेवरेज में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर पानी को छोड़ दूँ मैं, पानी के अलावा जितने भी लिक्विड है ना, स्पेशली आप सारे वाटर को छोड़ दीजिए, मतलब कि एक्सेप्ट देन वाटर, वाटर के अलावा जितने भी तरीके के लिक्विड वर्ल्ड में दिख रहे हैं वो सब बेवरेज के पार्ट हैं। मतलब वर्ल्ड, पूरे दुनिया में आपको वर्ल्ड के अंदर किसी, कोई भी लिक्विड दिख रहा है, चाहे चाय है, कॉफ़ी है, बियर है, मिल्क है, या फ्रूट है, या फिर फ्रूट जूस है, फ्रूट का जूस बना लिया है ना, तो ये सारे लिक्विड, सारे बेवरेज, इनको बेवरेज कहा जाएगा। मतलब वाटर को छोड़ के बाकी सारे पोर्टेबल लिक्विड्स वो सारे आप लोगों के बेवरेज में आते हैं। तो बेवरेज का मतलब इसीलिए बताया मैंने क्योंकि यहाँ वो टर्म आया था, है ना भाई। तो लिक्विड और अल्कोहल में डिफरेंस समझ आ गया लोगों को, वेल एंड गुड है। टॉप कंपनीज बता दी, बेवरेज बता दिया। अब जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है क्वैको माउटाई बिजनेस मॉडल, आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले कोई बोलेगा कि क्वैको माउटाई के बारे में भी तो बताओ, तो पहले इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, फिर इस ये काम क्या कर रही है ये बताऊंगा, फिर इसका टोटल वर्थ कितना है वो आपको क्लियर करूंगा, फिर इसका बिजनेस मॉडल हम समझेंगे। वर्थ हम बाद में भी समझ लेंगे, पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम आपको नेटवर्थ, और इसके बाद हम इसमें सेकंड कंपनी जो इसी इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर भी आ रही है उसकी भी वर्थ आपको दिखाएंगे। और लास्ट आप अगर इसको इस तरीके से भी डालोगे ना, जैसे आपने इसका शॉर्ट नेम भी लिख दिया नेट पर, तो भी ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपको जैसा बता रहा था कि क्वैको माउटाई के बारे में, तो क्वैको माउटाई को लिमिटेड जो है इज़ अ चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी, मतलब ये चाइनीज़ स्टेट लिखा है। आपको बता दूं दोस्तों, दूसरे देश वाले लोग अपने देशों को ना स्टेट कहते हैं, और अपने देश के एरियाओं में ना एरियाओं को वो लोग प्रोविंसेस कहते हैं। जैसे आप भारत में जाओगे ना, तो भारत में क्या है ना, भारत को, भारत पूरे देश को वो लोग कंट्री कह रहे हैं, ठीक है।
है। और इसके अलावा अपने देश के अंदर जिन जगहों को डिवाइड जो किया हुआ है उन लोगों ने, जैसे MP, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके से जो डिवीज़न उन लोगों ने किया है उस डिवीज़न को उन लोगों ने स्टेट कह दिया। फिर उसी स्टेट को और डिवाइड करके उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कह रखा है, फिर उसके अंदर तालुका वगैरह इस तरीके से वो लोग कह रहे हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर देखते हो चाइना के अंदर, तो चाइना वाले अपने देश को बोलते हैं स्टेट, पूरे देश को वो लोग स्टेट कहते हैं, और स्टेट के अंदर एरियाओं को वहाँ के लोग प्रोविंसेस कह देते हैं। कई बार दूसरे देश के लोग वहाँ पे प्रोविंसेस नाम का एक टर्म यूज़ करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि क्वेको माउटाई एक को लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, ये मतलब प्राइवेट नहीं है, इज़ अ चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी है दैट जो कि प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है एक टाइप ऑफ बायजियू, एक ट्रेडिशनल चाइनीज लिक्वर है ये, मतलब ये बहुत पुरानी कंपनी है। और चाइनीज मतलब कि चाइनीज लिक्वर मतलब कि उस चाइनीज लिक्वर मतलब कोई कोई लिक्वर किसी भाषा पे डिपेंड नहीं होता है, हालांकि चाइनीज लिक्वर मतलब कि ये चाइना के लोगों के लिए, ये चाइना से शुरू करा गया एक लिक्वर कंपनी है। अदर बेवरेजेस और फूड और पैकेजिंग मटेरियल वगैरह बेचते हैं लोग बनाकर। ये कंपनी 1999 में शुरू करी थी इन लोगों ने, एंड इज बेस्ड इन रेन हू आई, जो कि आप लोगों का ग्वीज हु प्रोविंस में है। मैंने आपको वही कहा कि चाइना में स्टेट वाइड डिवीज़न नहीं है, जैसे आप भारत में जाओगे तो वहाँ पर देश को कंट्री बोल रहे हैं और देश के अंदर एरियाओं को स्टेट बोला, फिर उसके अंदर डिवीज़न करके डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके अंदर डिवीज़न करके तहसील और तालुका बोल रहे हैं वो लोग। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो चाइना में वो लोग पूरे देश को, चाइना को स्टेट बोलते हैं और स्टेट के अंदर जो एरिया आते हैं उनको प्रोविंस बोलते हैं। उन्हीं में से एक प्रोविंस है ग्विज हू, और ग्विज हू प्रोविंस उस एरिया के अंदर रेन हू आई नाम की जगह से ये कंपनी 1999 में शुरू करी थी। क्वेको माउटाई इज कंसिडर वन ऑफ द इंडस्ट्री जियांट इन चाइनाज लिक्विड इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड सिचुआन बेस्ड, इसके साथ साथ सिचुआन बेस्ड एक कंपनी और है जिसका नाम है वुलियांग गे ग्रुप, ये भी उसके ये सिचुआन से शुरू हुई थी, दूसरी कंपनी है इन्हीं के साथ साथ, मतलब इन्हीं के बराबर के करीब आगे बढ़ रही है। इसका नाम आई थिंक इसमें होगा इस लिस्ट में, देखो ये रहा, ये लिखा है ना, वो देखिए क्या लिखा है, वुलियांगे ग्रुप जो लिखा हुआ है तो इसी के साथ आपको दिख जाएगा ये दूसरा कंपनी है। ये देखो ये भी चाइना का ही है, मतलब दो कंपनी चाइना देश की ही हैं जो आप लोगों की अल्कोहलिक बेवरेज में टॉप में आती हैं, जो आप लोगों की वुलियांग ये जिबिल है वो फोर्थ नंबर पर आती है वर्ल्ड में इसी फील्ड इसी चीज के काम में, ये भी चाइना बेस्ड ही है। और दूसरे नंबर पहले नंबर पर आप लोगों की क्वेको माउटाई है, मतलब चाइना यहाँ पर भी अपना अपने आप को टॉप पर रख रखा है। चाइना देश के लोग यहाँ पर भी टॉप में चल रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, ठीक है, वही यहाँ लिखा है। और ये सिचुआन जो आपको बताया था कुछ दिन पहले, सिचुआन चाइना में जगह है वहाँ से है। और दूसरी कंपनी जो आपको बताई वो रेन हू आई है जो कि गुज हू प्रोविंस से है। तो मैंने वही बताया कि क्वेको माउटाई जो है वो बाइजू इज अ क्लियर, इसको बोला इसका पूरा नाम है, ये कलरलेस लिक्विड बनाते हैं दैट डिस्टिल्ड फ्रॉम सोरगम, मतलब कि उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे कि आप सोचें कि उस ड्रिंक का कलर होगा रेड, उसका कलर होगा येलो या वाइट कलर होगा उस ड्रिंक का, या ब्लैक कलर का ड्रिंक होगा, या फिर वो ऑरेंज कलर का, या पिंक कलर का, या फिर स्काई ब्लू टाइप, या ब्लू टाइप, या डार्क ब्लू टाइप नहीं होगा, समझ रहे हो, मतलब कि वो इस तरीके का लिक्वर बनाते हैं जो कि कलरलेस लिक्वर होता है, कलरलेस शराब होती है, दैट इज डिस्टिल्ड फ्रॉम, ये सोरगम से डिस्टिल होती है, वीट से और बारले से, एंड हैज़ एन एल्कोहल कंटेंट अराउंड, इसमें जो एल्कोहल का कंटेंट होता है अराउंड 40% होता है, मतलब पूरे ड्रिंक में 40% नशा ही होता है उसके अंदर। और इट्स कंसिडर्ड चाइनाज नेशनल स्प्रिट, ये चाइना की एक, इसको माना जाता है कि एक नेशनल स्प्रिट है, राष्ट्रीय स्प्रिट स्प्रिट, इसके साथ साथ एक पर्टिकुलरली पॉपुलर है ये पूरे देश में, पूरे कंट्रीज कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्न एंड इनलैंड एरियाज में, ये मतलब देश के कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्न में और इनलैंड एरियाओं में इसको पॉपुलर है ये बहुत अच्छा से, मतलब आप चाइना के देश में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट एरियाओं में चले जाओ या इनलैंड वाले एरियाओं में जाओगे तो वहाँ पर लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पॉपुलर है, हर कोई जानता होगा इसको।
और ऑल दो इसको पूरा चाइना और दूसरे देश के लोग भी इस ब्रांड को जानते होंगे, आप पहली बार सुन रहे हो तो इसका पूरा बिजनेस मॉडल इधर समझिए। हैज़ अ प्रोमिनेंट सॉस लाइक टेस्ट और अलॉन्ग साइड नोट्स ऑफ राइप ट्रॉपिकल फ्रूट्स और बारबेक्यूड मीट, और इसके अलावा पाइन एप्पल, और इट्स फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड एट डिप्लोमेटिक और अदर इम्पोर्टेंट नेशनल ओकेशंस पर भी ये लोग बड़े बड़े ऑफर निकालते हैं। मतलब बड़ी कंपनी जो होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी फील्ड की, वो पूरे देश के ऊपर तरह तरह के ऑफर्स निकालती रहती है। जब कोई इवेंट आ गया, कोई त्यौहार आ गया, तो उस तरीके से नेशनल ओकेशंस पे ये लोग अलग अलग तरीके के फ्रिक्वेंटली ऑफर्स भी निकालते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सम सेज डूइंग शॉर्ट्स विद माउटाइज डूइंग शॉर्ट विद माउटाई इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कल्चर एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। मतलब कि ये इस तरीके का बिजनेस है, माउटाई इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कल्चर का एक पार्ट है और मदद करता है एक ट्रस्ट और फ्रेंडशिप बनाए रखने में कि भाई हाँ, हमारा जो ये आप ले रहे हो ड्रिंक, ये बिल्कुल ट्रस्ट करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में तो आप समझ गए कि क्वैको माउटाई, क्वैको ध्यान से सुनो, क्वैको माउटाई को लिमिटेड एक वर्ल्ड का नंबर वन एक अल्कोहलिक बेवरेज ब्रांड है उस सेक्टर के अंदर, और उसी का बिजनेस मॉडल आपको इधर समझाया जा रहा है। आप विकीपीडिया से जाकर इसका डिटेल्स देख सकते हो। इनकी खुद की वेबसाइट में भी अगर आपको दिखाऊं तो ये इनका खुद का वेबसाइट है, इस तरीके का वेबसाइट है ये। देखिए यहाँ पे पूछ लेंगे कि आप लीगली ड्रिंक कर सकते हो उस वो एज में हो या नहीं, वो इस तरीके का इनका कुछ बोतल टाइप है इस तरीके का। और आप देखोगे दोस्तों, ये कंपनी का नाम है वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस, वर्ल्ड का जो मोस्ट मिस्टीरियस स्पिरिट इज वेटिंग फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड। देखिए पूरा माहौल वेबसाइट पर उसी तरीके का है कि आप यहाँ से आओ। और अब देखिए ड्रिंक साइड का सब पूछा तो जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिक्विड का ही दिखाया जाएगा, पीछे वाटर दिखा रहे हैं पूरा अंधेरा टाइप करके, और लिक्विड लिक्विड ही दिखाया जा रहा है इधर, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट रेंज में आपको बता दूं, देयर इज़ मोर टू माउटाई देन मीट्स द आई। और इसमें आप देखोगे तो अबाउट माउटाई, हिस्ट्री इस कंपनी का क्या है, यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, कि कैसे ये लोग यूनिक बना रहे हैं, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी अगर नंबर वन पे पहुंच रही है वर्ल्ड में, इसका मतलब कुछ यूनिक वो बना रही होगी। क्वैको माउटाई जो है इन द वर्ल्ड में उसका किस तरीके का बिजनेस मॉडल चल रहा है, कैसे संभाला जा रहा है। और ये बेल्जियम में भी है, अब ये बेल्जियम में आए होंगे इसलिए क्योंकि बेल्जियम में भी एक बेल्जियम वाला कंपनी जो चला रहा है इस सेक्टर का, जो इसी में अल्कोहलिक बेवरेज का है, वो सेकेंड नंबर पर बेल्जियम वाला है। कौन से अवार्ड इन लोगों ने जीते हैं आज तक, गैलरीज में फ़ोटो दिख जाती हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट और शॉप ऑनलाइन कर सकते हो, अबाउट कूबो के बारे में जान सकते हो, ये कंपनी जो है इसके बारे में और जानना हो यहाँ से भी जान सकते हो, ठीक है जी। प्रोडक्ट रेंज में आपको बता दूं, यहाँ पर लॉट ऑफ प्रोडक्ट के माउटाई के दैट मीट द आई, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं इस तरीके की बॉटल्स होती हैं इनकी, ये देखो ऐसा लग रहा है ना, इम्पोर्टेड टाइप लग रहा होगा आपको देख के कि भाई इम्पोर्टेड, मतलब इम्पोर्टेड ही है। अगर आप इसमें रशिया से सुन रहे हो, यूक्रेन से, ओमान, पेरू, तो आपके लिए इम्पोर्ट ही हो गया ना, आपके देश में आएगा ना ये, तो ये इम्पोर्टेड हो जाता है। जैसे यूक्रेन, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, मलेशिया है, कुवैत है, इंडोनेशिया है, ठीक है, जर्मनी है, श्रीलंका और वियतनाम, इन सब के लिए तो ये इम्पोर्टेड ही होगा ना, क्योंकि वो वहाँ से मंगाएंगे इसको। हालांकि ये आपके वहाँ पर भी सर्विस दे रहे होंगे, इंटरनेशनल कंपनी है, इस तरीके का बोतल टाइप है इन लोगों का, काफ़ी एक अलग तरीके का है जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होगा उस तरीके का। आर यू रेडी टू डिस्कवर, आप डिस्कवर करने के लिए तैयार हो, फाइंड आउट वट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस मिस्टीरियस ड्रिंक, में क्या स्पेशल है इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो आप इस तरीके से ड्रिंक वगैरह यहाँ देख सकते हो, इस तरीके से आप इस अगर ये लोग बेल्जियम में अवेलेबल हैं तो उसके बारे में भी किसी को पढ़ना है, जो बेल्जियम बेस्ड पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, ये बेल्जियम की स्पेशल वेबसाइट है इनकी, वो आ चुकी थी अभी। तो इस तरीके से इनका वेबसाइट दिखा दिया मैंने दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसमें प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो कौन कौन से हैं। देखो इस तरीके से आओगे और फिर प्रोडक्ट की रेंज देखना, कॉकटेल्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हो, जैसे प्रोडक्ट रेंज दिखा दूँ। हाँ देखिए ये इतना % ऑफ चल रहा है इसके ऊपर, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके आने लग गए यहाँ पे,
इसकी बहुत बड़ी लिस्टिंग होगी, जब आप इसकी मेन वेबसाइट पर जाओगे तो प्रोडक्ट रेंज में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कॉकटेल्स वगैरह भी आपके यहाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बस एक आइडिया बेस्ड के लिए हम लाए थे आपको इस वेबसाइट पे, कि आपको थोड़ा दिखाएं, है ना, इनकी वेबसाइट के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कोई बोले कि भाई ये लोग काम क्या करते हैं, इस कंपनी का काम क्या है। किसी किसी को ये जानना है कि इस कंपनी ये लोग काम क्या कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप इसके अबाउट में जाते हो तो इस कंपनी के बारे में आपको यहाँ से दिख जाता है कि ये कंपनी कॉमनली रेफर्स एस्ट कि ये कंपनी जो है ये एक क्वेको माउटाई के हिसाब से इसको रजिस्टर्ड कर रखा है इसने अपने आप को। इसका रजिस्टर वैसे इस तरीके से हुआ है, शॉर्ट में इसको इस तरीके से जानते हैं। ये चाइनीज़ चाइना देश से कंपनी है, ये प्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब बना भी लिया, बेक भी दिया और उसको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जगह जगह बांटना, बांटना मतलब जगह जगह उसको पहुंचाना, सर्विस देना, उसको जो सप्लाई चेन होता है वो करना। माउटाई लिक्विड का एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जियांग 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 सियांग बाय जीजू जीव है इसका पूरा। ठीक है, इसके ओनर कौन है तो आप देख सकते हो, इसके ओनर जो है स्टेट ओन एसेट सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ऑफ द स्टेट काउंसिल, मतलब ये गवर्नमेंट की ही है। स्टेट ओन्ड मतलब कि ये लोग शायद ये कंपनी जो है वो टोटली गवर्नमेंट की है आई थिंक। और इसका स्टॉक प्राइस आप देख चुके हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो इसका कौन है और हेड क्वार्टर आप जान लो यहाँ पे कहाँ पे है। अब देखिए, आप मानोगे नहीं दोस्तों, कोई अब इसमें काफ़ी ऐसे फिल्डर्स होंगे, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इसी सेक्टर में इस तरीके की कंपनी चला रहे होंगे, जो काफ़ी पहले से चला रहे होंगे, बट ये इसको अभी 25 साल हुए हैं और 25 साल में इसकी रैंक आप देख लो, ये कम एम्प्लॉय के साथ साथ ये इतना ऊपर है। ये कंपनी सेक्टर में इतना ऊपर है, वर्ल्ड की नंबर वन है, जबकि इसको 25 साल हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी सेक्टर में इसी तरीके की कंपनी बहुत पहले से चला रहे होंगे, है ना, इसी तरीके का काम करते होंगे। देखिए, आप अगर इतना इतना डालते हो ना, इस कंपनी के बारे में डाला, अब आपने डाला ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, मतलब कि ये गवर्नमेंट का है। वर्ल्ड वाइड एरिया सर्व कर रखा है, मतलब कि ये लोग एरिया सर्व्ड, मतलब कि कहाँ कहाँ सर्विस जा रहा है इन लोगों का, पूरे वर्ल्ड में इनका सर्विस है। ठीक है, ये मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कि इसमें सारा पैसा गवर्नमेंट पे जा रहा है, चाइना की गवर्नमेंट पे ही जा रहा है। ये स्टेट ओन्ड मतलब हो जाता है दोस्तों, स्टेट मैंने आपको बताया चाइना है को ये लोग स्टेट बोल रहे हैं, वहाँ पे कंट्री को स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो पूरे चाइना की ये जो है स्टेट बेस्ड यानी कि पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, मतलब कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी है, ये प्राइवेट नहीं है, है ना। तो इसके बारे में आप ये सब पढ़ लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो आपका रहेगा, क्वेको माउटाई कंपनी के बारे में आप जानना चाहोगे कि क्या वर्क कर रही है ये। तो ये बनाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, सेल भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं इस तरीके के लिक्वेयर को। ठीक है, अपना खुद का ब्रांड बनाया है इन लोगों ने इस चीज़ के अंदर। देखिए, वैसे तो ये कंपनी 1951 में ही फाउंड कर ली थी, अब ये कहीं लिख रहे हैं कि ये 1999 में शुरू हुई। आप खुद पढ़िए, आपने पढ़ा होगा ये 1999 में, और अब ये यहाँ पे कह रहे हैं 1951 में। आई थिंक ये लोग लिखने में थोड़ी गलती कर रहे हैं, एक्चुअल इनको पता होगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ ना दोस्तों, तो देखो 1999 लिखा है, तो एक्चुअल में यही 1999 वाला ही माना जाएगा। जो ये लोग यहाँ पर 1951 लिखा है, ये थोड़ा मिस्टेक है। इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इसका, और 53 डिग्री फैटियान माउटे, और इज नोन एज चाइनाज नेशनल ड्रिंक, चाइना की एक राष्ट्रीय ड्रिंक इसको कहा जाता है। पूरे देश में वहाँ लोग इसी का ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, इसके बिजनेस में इंक्लूड है कि लिक्वेयर का प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब बनाना ऐसे लिक्विड्स को, और पैकेज करना ऐसे मटेरियल्स को, ये सब बनाकर, और वाइन इंडस्ट्री ऑपरेशन करना, वाइन के को इन वाइन मतलब कि जो आपका शराब है उसका इंडस्ट्री ऑपरेट करना। ठीक है, इसका रेवेन्यू इन लोगों ने यहाँ लिख के दिया है, इन्होंने लिखा है 21 पॉइंट समथिंग बिलियन इन लोगों ने रेवेन्यू लिखा है 2024 के हिसाब से। ठीक है,
समझ आ गया, इसका वर्क समझ आ गया होगा। आप किसी को और डिटेल जानना है तो विकिपीडिया और ग्लास डोर, लिंक्ड इन, फॉर्ब्स और इसके अलावा पिंच बुक को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट मैं आपको प्रेफर करता हूँ, ये अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे सर्विसेज, अच्छे आइटम्स और अच्छी चीज़ें, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स रेडी करके प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। ठीक है, क्वेको माउटाई बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर दूँ सबसे पहले। तो इसका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है, ये स्पेशलाइज है कि ये लोग बनाएंगे भी, बेचेंगे भी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, जगह जगह सप्लाई करने का भी काम है इन्हीं की कंपनी का। और हो सकता है ये लोग किसी किसी देश में इन लोगों ने दूसरे कंपनियों वालों से भी हाथ मिला रखे हों सप्लाई चेन के लिए। सप्लाई चेन के लिए मतलब दूसरे देशों में हो सकता है, जैसे कि ये लोग सपोज अगर ये नाइजीरिया में और पेरू या ओमान के अंदर अपना इस चीज़ का सर्विस दे रहे होंगे, तो उन जगहों पे हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ प्राइवेट लोगों को भी कंपनियों को सप्लाई चेन के लिए हायर, मतलब उनके साथ हाथ मिलाया हो कि वो लोग सप्लाई करेंगे, है ना। हालांकि ये लोग खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सेल भी करते हैं और प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, बनाना, बेचना और उसको जगह जगह सप्लाई करना इन्हीं का काम है, ये इसके अंदर एक्सपर्ट है इस चीज़ को लेके। अब अगर मैं पूछूं तो इसका वर्क यही है कि इनका मेन कंपनी का टारगेट रहता है कि कंज्यूमर्स जो हैं आर पीपल विथ हाई सोशल स्टेटस, एज माउटाई इज ऑफ्टन सर्व्ड एज बैंकेट एंड गिवन एज गिफ्ट्स टू रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स इन चाइनीज कल्चर। तो माउटाई इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस और ये कंपनी इज मेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रेट वाटर सोर्स, फेवरेबल टेरियर और केयरफुल क्राफ्ट्समैनशिप और द सीशू रिवर फ्लो थ्रू माउटाई टाउन। मैं आपको बता दूँ वेयर इट अंडरगो आ रिफाइनिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द लिक्विड्स एंड सेंस। मतलब यह है दोस्तों कि इसके अंदर वेयर इट्स अंडरगो अ रिफाइनिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द लिक्विड एसेंस, मतलब ये लोग लिक्विड लिक्विड प्रोड्यूस करने के लिए वर्क करते हैं टोटल जितना भी। अब इनका स्ट्रेटेजी किसी को जानना है तो स्ट्रेटेजी जान सकते हो आप लोग कि भाई क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं ये लोग, कि ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी लगाया जा रहा है इसके बिजनेस मॉडल में। बाकी तो आपको बिजनेस मॉडल और भी जगह से मिल जाएगा। मैं मान लो आप अगर सर्च करते हो कि क्वेको माउटाई का बिजनेस मॉडल, तो आपको इसमें रिसर्च गेट की वेबसाइट का भी लिंक मिल जाता है, एटलांटिस प्रेस का भी, और IIDE वाला जो आपका पूरा आर्टिकल दिया है इसके, जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस कंपनी का और कैसे बिजनेस एक्सपेंड कर रही है वो आपको मैं IIDE से समझाऊंगा। वैसे आप फ्रांसिस एकेडमिक प्रेस से भी समझ सकते हो, डार्सी एंड रॉयर रॉ डार्सी एंड रॉ प्रेस जो है इसकी तरफ से आप इसका पूरा PDF फाइल ले सकते हो कि कैसे लोग अपना ब्रांड जो है, ये लोग इनका ब्रांड जो है मैनेजमेंट करने का स्ट्रेटेजी क्या है कि इनका ब्रांड बना रहे। ब्रांड बेसिकली ये होता है, काफ़ी सारी कंपनियां काम करती हैं सेम चीज़ों पर, कोई ड्रिंक बना रहा है, कोई लकड़ी बना रहा है, कोई लोहा बना रहा है, या कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, कोई कंसल्टेंसी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस की कंपनी है, तो वो अपने प्रोडक्ट बेस्ड में, जैसे मान के चलिए कल को आप अगर एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी बन गए, तो आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां लैपटॉप बनाती हैं बेचती हैं, बट आपको उसके अंदर वो ब्रांड बनना होगा। ब्रांड मतलब उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कि फिर आपको थोड़ा पीछे करना मुश्किल हो जाए, है ना। तो कैसे ये लोग अपने आप को ब्रांड बनाए रखते हैं, उसके पीछे का उसको मैनेज करने का स्ट्रेटेजी क्या है, और उसके साथ साथ PDF दे रखा है इन लोगों ने कि सक्सेसफुल कैसे हुए ये लोग, उसका स्ट्रेटेजी। और बाकी बोया सेंचुरी पब्लिशिंग ने इस वेबसाइट ने भी एनालाइज किया है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और फाइनेंस इन्होंने भी यहाँ पर एनालाइज किया है। तो इनमें से आप किसी को भी रीड कर सकते हैं, मैंने दो तीन अलग अलग एसेस दिए हैं, आप पढ़ लेना पूरा। सक्सेस कैसे सक्सेस मिला, पूरा बिजनेस मॉडल समझाया मैंने इसका। देखो जैसे इन लोगों ने बता रखा है, इन लोगों ने बहुत शॉर्ट में बताया है, इन लोगों ने तो वैसे तो ये कह दिया, देखिए ये आप PDF दे रखा है, इन लोगों ने कहा है इस फाइल में जाके पढ़ लो। ये आपको बता दूँ 2022 के जून की 28 तारीख को इन लोगों ने इस वेबसाइट ने बता दिया था इसके ऊपर पूरा का पूरा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप इसका PDF ओपन करके भी समझ सकते हो। ये जो वेबसाइट है ना जिसका नाम है बोया सेंचुरी पब्लिशिंग, ये 2014 से शुरू हुई वेबसाइट है। ये अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं, ये लोग पब्लिश्ड वॉल्यूम्स फॉर ऑथर्स और फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है,
तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सारे यूजेस के लिए मैं आपको ये वेबसाइट भी प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए, इन सारे आर्टिकल्स और इन सब तरीके की सारी चीज़ों को जानने के लिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपको दिखा दूँ कि क्वेको के बारे में, आप क्वेको भी डालोगे तो भी यही कंपनी आएगी, इस नाम से यही चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था इसका बिजनेस मॉडल, तो इसका जो है एक्सटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब इस तरीके का मार्केटिंग है स्ट्रेटेजी है इस माउटाई कंपनी का, कि इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये इस साल की 30 जनवरी को आया था पूरा। यहाँ पर आदित्य शास्त्री हैं जिन्होंने पूरा डिटेल, ये आदित्य शास्त्री नाम का एक लड़का है, एक इंसान है, इसने आदित्य शास्त्री ने इस पर डिटेल बनाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या बताया है इन्होंने, बोला है हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था कि डिटेल पढ़ी थी कि कैसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है यहाँ पर कुलबर्ग नाम की कंपनी की। इस आर्टिकल में हम इलेबोरेट करेंगे, एक माउटाई कंपनी है जो कि क्वेको माउटाई कंपनी है, एक प्रीमियम लिक्वर ब्रांड है, और इसका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में किसी को जानना है तो ये 135 BC से शुरू हुआ था। क्विजियांग ज्यू प्रोड्यूस इन द माउटाई टाउन एरिया वाज रिगार्डेड एज अ ट्रिब्यूट टू द रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली से आते हैं। और मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, आप ये सब पढ़ लेना, हम सीधा डायरेक्ट इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कैसे लोग व्यापार कर रहे हैं, कब शुरू हुआ है ना, किस इंसान ने शुरू किया, वो सब आप पढ़ लेना। अब एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको सजेस्ट रहेंगे, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्री में एनरोल कर सकते हो। शुरू के 50 लोगों के लिए फ्री एनरोल करने का ऑप्शन मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कई और ऑप्शन मिल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग किसी को सीखना हो तो आप फ्री में सीख सकते हैं यहाँ रजिस्टर करके, सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है, तो 50 लोगों के लिए। अब व्हाट्स न्यू विद, इसमें क्या नया है इसके साथ, इस कंपनी के साथ ऐसा नया क्या है, ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि इनके ही लिक्वर, इनके ही सारे जो भी अल्कोहलिक लिक्विड्स बना रहे हैं ये लोग, वो बिक जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि परसिस्टेंटली एडवांसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू इट डिस्टिंक्टिव मार्केटिंग अप्रोचेस एंड सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी है इन लोगों की। मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं ड्रिंक में, इनकी क्वालिटी A1 है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट बना रहे हैं। डिजिटल एक्सपेंशन में आपको बता दूं, माउटाई हैज़ इनिशिएटेड अ सोशल मीडिया इनिशिएटिव टाइटल स्टे एट होम विद माउटाई, मतलब घर पे रहो माउटाई के साथ। कहने का मतलब ये है कि हम आपके घर पर ही पहुंचा देंगे इसको। अब विच मोटी ये मोटिवेट कर देता है एक वर्ल्ड लेवल के यूज़र को, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो घर पर ही मंगा सकता हूँ इसके प्रोडक्ट, या इसका लिक्वर, या इसका जो एल्कोहलिक बेवरेज जो भी मेरे को मंगाना है, मतलब कोई भी ड्रिंक मंगाना है तो मैं मंगा सकता हूँ उसको, ठीक है जी। ये अल्कोहलिक ड्रिंक की बात हो रही है, तो डिजिटल एक्सपेंशन में यही बात है कि ये लोग ऑनलाइन अवेलेबल करा देते हैं कि आप घर घर से ही मंगा लो। दूसरा इसमें यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो एनालिस्ट करा गया कि इंटरप्रेट द डेवलपमेंट ऑफ क्वेको माउटाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब पार्टिकुलरली द लॉन्च ऑफ इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। इन लोगों ने अपना एक ऐप भी बना दिया, एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर टू डिजिटल एनहेंस इट्स प्रॉफिट मार्जिन, मतलब एक ऐप बना दिया इन लोगों ने। मतलब ऐप तो बड़ा आसान है आज के समय, आप भी जानते हैं, आप अगर C++, जावा, पाइथन सीख लो, कोडिंग लैंग्वेज सीख लो, जावा स्क्रिप्ट और HTML CSS जैसी चीज़ें सीख लो, UI UX डिज़ाइन सीख जाते हो, तो आप मान के चलिए आप एक ऐप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। वहीं इन लोगों ने कर रखा है, अपनी कंपनी पे एक ऐप बना दिया है, उस पर आप जाकर तरह तरह की ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, जितनी भी ड्रिंक आपको चाहिए, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट यूनिक नेक्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। एंड यू ये लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज टेक्निक को फॉर फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन एंड एगिंग के लिए। मतलब जब ड्रिंक बनाते समय 3 प्रोसेस होते हैं, एक फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है और एगिंग होता है। इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए लोग अपने देश की एक पुरानी पुरानी टेक्निक को यूज़ करके करते हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन इनका मेन कारण यह है कि मतलब माउटाई होल्ड करता है कि वो डिस्टिंक्शन है ऑफ बीइंग वन ऑफ द 3 मोस्ट रिओन्ड स्पिरिट्स ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर, और शेयरिंग
this honor, sharing this honor with France cognac and Scotch whiskey. इसके अब देख लो, इसके साथ ये लोग शेयर करते हैं अपना ऑनर विद फ्रेंच कॉगनेक के साथ भी और स्कॉच विस्की के साथ भी. तो ये लोग ग्लोबल वेस्ट में, आपको बता दूँ, ये वर्ल्ड लेवल पर ये उन जो आपके तीन वर्ल्ड के मोस्ट री ओन्ड स्प्रिट्स हैं, स्प्रिट्स उसमें ये लोग भी आते हैं. ठीक है, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो टाउन ऑफ माउटाई है, द प्रोडक्शन साइट जो इन लोगों की है ऑफ द लिक्वर, होल्ड सच सिग्निफिकेंस दैट इट नो लॉन्गर परमिट्स द पैसेज ऑफ बोट्स. अब आप ये पूछेंगे कि बायर परसोना ऑफ माउटाई क्या है, मतलब कि जो लोग इनसे खरीद रहे हैं, है ना, बायर परसोना माउटाई मतलब कि इनकी चीज़ें जो खरीदे जा रही हैं, इनकी ड्रिंक्स जो खरीदी जा रही हैं, वो लोगों का कैसा इसके ऊपर रिएक्शन है. जो लोग सपोज खरीद रहे हैं तो वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट पर, एक्चुअल में इसके ड्रिंक पर, तो वो मैं आपको बताया था. सपोज मान के चलिए कि कोई फरीना नाम की लड़की है जो मुंबई से है, भारत देश के महाराष्ट्र के मुंबई से कोई फरीना नाम की लड़की है, 20 साल की है, वो एक प्रोफेशन उसका बिजनेस एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, तो बायस परसोना समझ लेते कि कोई खरीदने वाले का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर. तो यहाँ पर एक मुंबई प्लेस से फरीना है, मुंबई प्लेस से एक फरीना नाम की लड़की है, वो 20 साल की है और बाय उसका जो बिजनेस, अब प्रोफेशन देख लो आप इसका कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव है वो. ठीक है, अब मोटिवेशन उसको कैसे मिला, इंटरेस्ट एंड हॉबी मैं आपको बता देता हूँ. ये क्यों बताया गया आपको समझिए कि वो गवर्नमेंट फूड्स एंड प्रीमियम बेवरेजेस उसका इंटरेस्ट है, उसका म्यूज़िक, ट्रैवल और बिजनेस मीटिंग जैसे उसके इंटरेस्ट हैं. ये आप, मैं आपको बता दूं, हम किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाते हैं तो उसमें एक ये चीज़ होती है कि जो भी उस बिजनेस मॉडल को अट्रैक्ट हुआ है, जो भी उससे अट्रैक्ट हुआ है, सपोज़ आप कोई कुछ प्रोडक्ट या कुछ आइटम किसी कंपनी का खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो आप एक बायर हुए, तो आप एक बायर के तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं कि कोई मान के चलिए कि कोई एक इसी कंपनी का ड्रिंक खरीदने वाली एक लड़की है जिसका नाम फरीना है, मुंबई से फरीना है, मुंबई भारत एक देश है, वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र से मुंबई से एक फरीना नाम की लड़की है, उसकी 20 साल है, वो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, और उसका इंटरेस्ट और हॉबी यह है कि वो गवर्नमेंट फूड्स उसको पसंद है, इसके साथ साथ प्रीमियम बेवरेजेस पसंद हैं, इस तरीके के बेवरेज उसको पसंद हैं, इस तरीके की ड्रिंक उसको पसंद है, गाना सुनना पसंद है, घूमना पसंद है और बिजनेस मीटिंग्स पसंद हैं. उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, पेन पॉइंट क्या है और सोशल मीडिया में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, वो बता दिया इन लोगों ने. अब यहाँ आप समझिए, सी चूजेज, उसने चूज़ किया माउटाई को बिकॉज इट्स अ हाई एंड और प्रेस्टीजियस ब्रांड है दैट रिफ्लेक्ट हर पर्सनल सक्सेस, क्योंकि ये उस वो एक इस तरीके का ब्रांड है जो रिफ्लेक्ट करता है उसकी पर्सनल सक्सेस के लिए, ऐसा उसको मोटिवेट मिला. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बायर है, एक बायर परसोना मतलब जो इस कंपनी का ड्रिंक खरीद रही एक लड़की है फरीना मुंबई से, उसका उसको मोटिवेशन मिल जाता है. मतलब वो इस इनकी कंपनी का ड्रिंक लेती है तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने पर्सनल काम को सक्सेस ले पाती है, अपने काम को कर पाती है. कुछ पेन पॉइंट इन लोगों ने यहाँ डाले हैं तो पेन पॉइंट आप पढ़ सकते हो. ठीक है, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड बाय प्रोडक्ट दैट डज नॉट मीट हिज हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड प्रेस्टीज, और सी डिसलाइक पुअर कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू एफिशिएंट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, सी माइट बी डिसअपॉइंटेड इफ माउटाई वर अनअवेलेबल और डिफिकल्ट टू परचेज ड्यू टू हाई डिमांड और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए इसके पेन पॉइंट क्या है, ये एक लड़की है जो कि भारत देश के महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया कंट्री के महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई एरिया से ये लड़की है, फरीना नाम है, 20 साल की है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, एक कहीं कंपनी में काम करती है, इसका इंटरेस्ट जो है उस इंटरेस्ट में ये इसको ड्रिंक करना अच्छा लगता है और उस ड्रिंक में इसको इसी कंपनी का ड्रिंक भी अच्छा लगता है. और इसके लिए आप देखिए ये एक एक्चुअल में जनरल बायर्स का परसोना है, जितने भी लोग इसका ड्रिंक खरीदते हैं सबका मिलाकर एक परसोना बता रहा हूँ. इसका पेन पॉइंट इस लड़की का ये है कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब प्रोडक्ट जो है वो नहीं, जो इसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा नहीं मिलता, तब ये जो है डिसलाइक करती है उस पुअर कस्टमर सर्विस को, मतलब कस्टमर को सर्विस अच्छा ना मिले तो उसको ये पसंद नहीं करती,
तीसरी पॉइंट ये है कि इसको दुख होता है, इसको पेन होता है, दर्द होता है तब इस लड़की को, जब सी माइट इज डिसअपॉइंटेड, मतलब ये डिसअपॉइंट हो जाती है तब, जब इस माउटाई कंपनी का ड्रिंक इसके वहाँ पर ना डिफ़िकल्ट है, मतलब अवेलेबल नहीं है, या फिर वहाँ पर लिमिटेड स्टॉक के कारण ख़त्म हो जाता है, तो इसको नुकसान, इसको बुरा लगता है। कई बार आप किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को इतना पसंद कर लेते हैं, जब वो नहीं मिलता ना, तो इस तरीके का आपको दुख सा होता है। वही इस इसी लड़की को हो रहा है कि इसको माउटाई कंपनी का ये ड्रिंक नहीं मिल पाया, किस कारण से, क्योंकि उसकी हाई डिमांड हो गई, या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशंस थे, या फिर स्टॉक नहीं बचा, ख़त्म हो गया, या फिर जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है परचेज करना इसके लिए। जब सपोज मानिए आपके एरिया में किसी कंपनी की कुछ ही चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको उसकी सख्त ज़रूरत है और आपको नहीं मिल पाए, तो आप नुकसान, पेन तो होगा ही ना आपको, दर्द तो होगा। सपोज आपके एरिया में कोई बेस्ट पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनाने वाला है, आपके एरिया में बेस्ट पिज़्ज़ा मिल जाता है आसानी से, आपके पास मान लीजिए डोमिनोज का आउटलेट है आपके एरिया में, और वहाँ पर हर समय आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है, और आपको जो पसंद है वही वाला पिज़्ज़ा मिल जाता है ना, डोमिनोज का ही आपको पिज़्ज़ा पसंद है, और कल को मान लीजिए डोमिनोज के पास पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाए उस दिन जिस दिन आपको चाहिए, है ना, तो आपका मेन जो फेवरेट ब्रांड था वो डोमिनोज था, और डोमिनोज का पिज़्ज़ा अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मेरे को डोमिनोज पिज़्ज़ा ही चाहिए था और वो ख़त्म हो गया, तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो उसी तरीके से इस लड़की को इस कंपनी का बेवरेज, जो ड्रिंक ब्रांड है, जो बेवरेजेस हैं अल्कोहलिक से जुड़े हुए, वो इसको पसंद है, तो पेन पॉइंट इसके यही होंगे जब स्टॉक ख़त्म हो जाए और ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। अब ये लड़की जो है वो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक और टिंडर पर अवेलेबल है। अब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बायर परसोना मतलब दोस्तों एक लड़की है जिसने यहाँ से ख़रीदा ये, और इसकी बायर का परसोना मतलब बायर खरीदने वाले की एक पर्सनल इसके ऊपर टिप है कि खरीदना चाहिए नहीं। मार्केटिंग मिक्स ऑफ माउटाई, मैं आपको बता दूं, इसके प्रोडक्ट आप देख लो, बहुत अच्छा प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट बनाते हैं लोग। इसका प्राइस की बात करूं तो प्राइस, ये लोग तरह तरह के प्रोडक्ट बना लेते हैं ड्रिंक से जुड़े हुए, प्राइस एक अच्छा प्राइस रहता है। दिस स्ट्रेटेजी सेव्ड बाय माउटाइज एस्टिमेटेड रेप्यूटेशन, द कॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड इट्स सोशल स्टेटस, और द प्राइस ऑफ अ सिंगल बोतल ऑफ माउटाई टिपिकली रेंज 1,500 युआन, यानी $223 के करीब से शुरू होती है, टू ओवर लगभग लगभग $2,300 तक होती है, फॉर एक्सेप्शनल विंटेजेस को छोड़, फॉर एक्सेप्शनल विंटेजेस। तो आप खुद सोचिए कि इस कंपनी का जो एक ड्रिंक का जो प्राइस होता है वो $220 से शुरू होता है और $2,390 तक का है, यानी आप मेरे से पूछें तो आप अगर इसको भारतीय रुपए में लोगे ना तो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि सोचिए $200 मतलब लगभग 2,000-20,000 रुपये, यानी करीब करीब 19-20 हज़ार रुपये में एक ब्रांड, एक ड्रिंक आता है इसका। अगर आप भारत में हो ना तो आपको 19,000 या 20,000 रुपये लग जाएंगे, 19,000 या 20,000 रुपये आपको एक ड्रिंकिंग बॉटल इसकी खरीदने में लग जाएगी। आप अगर इस कंपनी का ड्रिंक लोगे तो आपको कम से कम 20,000 करीब लग जाने वाले। देखिए ड्रिंक इतनी महंगी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, शुगर होता है, फ्लेवर होता है, और उसमें इस और उसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा बड़ा सा होता है, और इस चक्कर से ही वो महंगी होती है ना। हाँ, तो और उसको, और इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर 2,000 आपका 20,000 रुपीज़ तक लग जाएंगे आप लोगों को कम से कम, मिनिमम एक ड्रिंक लेने में इस कंपनी का, भारत में अगर आप लोगे तो। भारत में भी आपको इसका ड्रिंक मिल जाएगा आसानी से। प्लेस में आपको बता दूं तो ये लोग हर जगह अवेलेबल हैं, इस कारण से ही इनका ड्रिंक बिक जाता है। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि ये लोग अपने आप को मार्केट बेस में कैसे अवेलेबल रख रहे हैं हर जगह, उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि प्रोडक्ट। सबसे पहला कारण प्रोडक्ट है कि ये लोग तरह तरह की ड्रिंक्स बना लेते हैं, प्राइस सही रेट रखा गया है तो लोग खरीद लेते हैं, प्लेसेस जगह जगह अवेलेबल हैं, प्रमोशन के लिए लोग अलग अलग जगह पे, अपना ऐप तो है ही, ऐप वेबसाइट तो है ही, इसके साथ साथ ये लोग प्रमोट करने के लिए ऐड वगैरह आपको मिल जाएंगे इसके यूट्यूब पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और दूसरा रोडों पर भी जगह जगह अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने प्रमोट कर रखा होगा, अपने बैनर वगैरह लगा रखे होंगे,
उससे भी प्रमोट हो जाती हैं चीज़ें। तो प्रमोशन वही है, आप देख सकते हो वही लिखा है। इसको प्रमोट करने के लिए ये लोग अलग अलग जगह जाके सर्विस भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं आपको कैसा लगता है इस कंपनी का ड्रिंक वगैरह वो सब। देखिए सोशल मीडिया पर हैं ये लोग अवेलेबल इस चक्कर से, यानी ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में जगह जगह इनके बैनर हैं, एड वगैरह के बैनर छपे रखे हैं, इस चक्कर से इनका ये लोग प्रमोट हो जाते हैं, आसानी से प्रमोट कर पाते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको मैं बता दूँ इन लोग कैसे लगाते हैं। तो पहले सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग पर ध्यान देते हैं, पूरा डिटेल आप पढ़ना। मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, मतलब कि कैंपेन किया, जगह जगह गए, बोला कि ये तो भाई बढ़िया लिक्वर है, आप इसको लो, ये बेस्ट है। तो मार्केटिंग कैंपेन करते हैं लोग। सबसे पहले इन लोगों ने लास्ट महीने जो है सिंगापुर में किया था एक कैंपेन, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 350 गेस्ट वर वेलकम टू द लाविश डिनर के लिए उनको बुलाया गया था। द ब्रांड ऑल्सो ऑफर एक स्पेशल और टाइम लिमिटेड ट्रीट टू हांगकॉन्ग कंज्यूमर्स, हांगकॉन्ग के लोगों को, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 8,000 शॉट्स ऑफ माउटाई बुलो। दिस कैन बी यूज इन F&B एंड लाइफ स्टाइल एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कैंग कैंग ऐप, चैंग चैंग ऐप आप कह लो। तो इनका मार्केटिंग कैंपेन भी करा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग मार्केटिंग कैंपेन भी करते हैं। वही हो गया ना, हर कंपनी जगह जगह जाके अपने अपने आप को प्रमोट करती है, कैंपेन वगैरह करती है, वही ये लोग भी करते हैं। सिंगापुर में भी किया था, हांगकांग में भी किया था इस तरीके से, तो ये आप देख लो। सोशल मीडिया पे इनका एक कैंपेन वायरल भी हुआ था, जो कि इन लोगों ने इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था। उस कैंपेन में मान लो आप बता दूं, यूट्यूब वेयर इन द कैंपेन एंजॉयड लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इम्प्रेशंस आए थे, विद ओवर 5 लाख फैन इंट्रैक्शन हुआ था। 5 लाख से ज़्यादा फैन से इंट्रैक्ट हुए थे ये लोग। और सेकेंड कैंपेन भी इन लोगों ने किया था, इसके साथ साथ थर्ड कैंपेन करा गया था इनके द्वारा। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग इन लोगों ने तीन तरीके से ध्यान दिया। पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन लोगों की ये है कि इन लोगों ने सेगमेंटेशन और किस किस को टारगेट करना है उस पर ध्यान दिया। मतलब हमें पता है कि हमारे ड्रिंक अब लोग जल्दी अलग जगह जगह खरीद रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ बेचें। तो इन्होंने अपने ड्रिंक को जगह जगह टारगेट किया कि किस किस जगह पर हम कंज्यूमर्स कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं, किस जगह के लोगों को हम बेच सकते हैं अपना ड्रिंक, वो इन लोगों ने ध्यान रखा। तो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग पर ध्यान रखा कि कहाँ कहाँ की हमें कस्टमर्स चाहिए होंगे वो। फिर मार्केटिंग कैंपेन किए जगह जगह, सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करते हैं ये लोग, जैसे कि फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, लिंक्डइन पर हैं ये लोग, ट्विटर पर इनके 4 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं। सोचिए एक ड्रिंक कंपनी के, तो ड्रिंक कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, दुनिया बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, बट एक लिमिट होती है उस चीज़ों की, उसके लिए अलग चीज़ है। बट आप ये समझिए कि ये कंपनी वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है ड्रिंकिंग सेक्टर के अंदर, सबसे बड़ी कंपनी है। यूट्यूब पर इनके 6,000 फॉलोवर ही हैं सिर्फ। SEO स्ट्रेटेजी लगाई जाती है इनके द्वारा, SEO परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ये लोग माउटाई वाले एक SEO स्ट्रेटेजी लगाते हैं। गिवन द लो मंथली ट्रैफिक, इट इज़ एविडेंट दैट माउटाई नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट्स इन दिस एरिया टू इम्प्रूव इट्स ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड रीच। तो SEO का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कई बार आप इंटरनेट पर, गूगल पर, माइक्रोसॉफ्ट एज पर या डक डक गो पर जाओगे और वहाँ पर कुछ भी सर्च करोगे, तो हमेशा आपको दिखेगा कि ये कुछ 4 से 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा दी गई जानकारी ही मुझे हमेशा दिख रही है सबसे ऊपर। मैं कुछ भी सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, मुझे ये कुछ ही वेबसाइट की तरफ से दी हुई जानकारी ही क्यों सबसे ऊपर मिलती है। दुनिया में तो बहुत सी वेबसाइट हैं, मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो इन्हीं की तरफ से दी हुई जानकारी ही मुझे क्यों बार बार दिख रही है। उसके पीछे होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO,
मतलब आप कुछ भी सर्च करो इंटरनेट पे, तो उसके लिए आपको किसकी वेबसाइट की तरफ से रिजल्ट्स मिले, आंसर्स मिले, डिटेल्स मिले, तो एक SEO यूज़ करते हैं इंटरनेट पे। तो इन लोगों ने SEO स्ट्रेटेजी भी लगाई जिससे कि इनकी जब भी कोई ड्रिंकिंग सर्च करे, मतलब ऑनलाइन जाए और कोई भी सर्च करे कि भाई अल्कोहल ड्रिंक या बियर, दारू, वोडका या वाइन सर्च करने जाए, तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर उसको दिखे, है ना। तो उसके लिए भी इन लोगों ने ऑनलाइन वर्क इस पे काम किया। SEO के लिए इन लोगों ने गूगल वालों से, गूगल कंपनी वालों से या दूसरी कंपनी वालों से जो जो SEO सर्विस प्रोवाइड करती है उनसे भी बात करी होगी, मदद ली होगी। देखो दोस्तों, SEO बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप खुद की कोई वेबसाइट या ऐप चलाते हैं और आप चाहते हैं कि कल को कोई भी इंटरनेट पर कुछ सर्च करे और उसको सर्च करते ही आपका वेबसाइट सबसे ऊपर मिल जाए उस सेम चीज़ के लिए, उस सेम काम के लिए जिसके लिए उसने सर्च किया है, उसके लिए आपको SEO स्ट्रेटजी का यूज़ करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को या तो गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट से या एप्पल से, इन सब से, या फिर किसी ऐसी कंपनी से जो SEO सर्विस प्रोवाइड करती है उससे, उसके साथ बात करनी होगी। उसकी मदद से आप SEO स्ट्रेटजी सेट करके SEO की मदद से अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हो आगे। दूसरा, इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी। जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे, ये इन्फ्लुएंसर से भी मार्केटिंग कराते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी कंपनी का प्रोडक्ट आइटम, उसका एड देख रहे हो, तो वो इन लोगों की तरफ से कराया गया। तो इन्फ्लुएंसर से भी इन लोगों ने मार्केटिंग कराई है। ई कॉमर्स स्ट्रेटजी ये हो जाता है दोस्तों, इन लोगों ने जैसे जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जब भी आप कहीं कुछ खरीदते हो, ग्रॉसरी का सामान खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, क्रोमा पर, तो ये लोग ई कॉमर्स स्ट्रेटजी लगाकर अपने प्रोडक्ट को उन वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा देते हैं। इसके साथ साथ खुद का ऐप तो है ही। अब मान लीजिए आपका खुद का ऐप है, वहाँ से कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, बस हमें पता है कि पूरे दुनिया के बहुत से लोग, वर्ल्ड के लोग सारे अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर या क्रोमा पर, है ना, मिंत्रा पर, मीसो पर, इन जगहों पर जाकर लोग चीज़ें खरीदने के लिए सर्च करते हैं। तो अगर वहीं पर अगर कोई ड्रिंक सर्च करेगा तो हमारा ड्रिंक ऊपर आ जाएगा। उसके लिए इन कंपनी वालों से भी इन लोगों ने हाथ मिलाया। बाकी इनका खुद का ऐप भी है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है इनका, मतलब कि हम क्या क्या दे रहे हैं अपने ड्रिंक में वो भी ये लोग बताते हैं लोगों को, कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या खास है, वो भी ये लोग बता देते हैं मार्केटिंग से ही। दूसरा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे इस कंपनी का जो है वो चाइना की मोस्ट वैल्यूएबल है फर्म है आउटसाइड ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाहर। इसकी वैल्यूएशन आप जान चुके हो, और सरपासिंग द लाइक्स नाइक, टोयोटा और डिज्नी को पास कर चुके हैं। देखिए, ये कंपनी छोटी कंपनी नहीं है जिसका मैं बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ। डिज्नी और टोयोटा और नाइक, इन तीनों कंपनी को इन लोगों ने पीछे कर दिया है वैल्यूएशन के अंदर। अब कैसे पीछे किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सोशल मीडिया पे हर जगह एक्टिव हैं, ई कॉमर्स वालों के साथ हाथ मिला रखे हैं, SEO में भी इनको ऊपर आना है, तो हर जगह तो अवेलेबल है। ये जगह जगह अवेलेबल होने की वजह से ही इनका जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उस पर भी ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब टॉप कॉम्पिटिटर इस कंपनी के मैं आपको बता दूं, खुद इन्हीं के देश के अंदर एक कंपनी है जो कि सीचुआन से है, जिसका नाम है वुलियांगे। वो एक्चुअल में सीचुआन से शुरू हुई है, बाकी वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल है, जगह जगह वो इसकी टॉप कॉम्पिटिटर है। डियागियो और इसके अलावा पर्नॉड रिचार्ड और इसके अलावा सांजिंग सिंह हुआ कुन फैन वाइन और इसके अलावा और हैं। मतलब सोचिए, इसके खुद के देश की 3-4 कंपनी इसकी कॉम्पिटिटर हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वाली जो कंपनी है वो इसकी कॉम्पिटिटर है। ये जो एन ही यूज़र है ये भी इसकी कॉम्पिटिटर है, कल को हो सकता है इसको पछाड़ दे, पीछे करके आगे हो जाए। अब जितने भी लोग हिंदी में नहीं समझते हैं बट इंग्लिश या मराठी, गुजराती, कोरिया में, या फिर मैं कहूँ जर्मनी में, ठीक है, या फिर गुजराती में, बंगाली में, असमीज़ में, या बोडो में, या दूसरी किसी भाषा में समझते हैं, अरेबिक में भी समझते हो, तो आप वीडियो का राइट साइड का लाइव डबल सी कैप्शन ऑन करना, उसकी मदद से आप मेरी बातों को अपनी भाषा में भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब जल्द ही मैं हर वीडियो को अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश करूँगा, हो सकता है तो जितनी भाषाएँ हैं वर्ल्ड की सब में पब्लिश करूँगा
अब से हर वीडियोस को जो भी नेक्स्ट होंगी, जिससे कि आपको सारी बातें समझ आए। टॉप कॉम्पिटिटर्स आप समझ चुके हो, अभी तक इनका कोई भी कैंपेन फेल नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कोई कैंपेन नहीं था जो इन लोगों ने किया हो और उसका फायदा ना हुआ हो। तो इसका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल था, और इस पूरी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था वो आपको मैंने समझाया। तो किवी, जो किवीको माउटाई है, इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल आप समझ चुके हैं। देखिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, कोई भी कंपनी आप चलाते हैं उसको ऑनलाइन सारा आपको संभालना है और ऑफलाइन में संभालना है, बस इतना आपने संभाल लिया ना, बस और कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ता है, खुद का वेबसाइट ऐप देना होता है, इसके अलावा अगर आप कुछ बेचते हो तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ एक SEO है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से ही आपका वेबसाइट ऊपर दिखता है उस स्पेसिफिक सर्च में जिसके लिए आप भी जाने जाते हो। सपोज़ किसी को लेना है न्यू लैपटॉप, अब न्यू लैपटॉप वो सर्च करेगा, जाएगा वेबसाइट पे, डाल देगा न्यू लैपटॉप। अब उसको क्या है ना कि काफ़ी सारी वेबसाइट दिखेंगी जो बता रही होंगी कि न्यू लैपटॉप कौन से हैं, बट आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आए किसी भी व्यक्ति के सर्च करते ही। उसका कारण यही है कि आप एक SEO यूज़ करो जिसकी मदद से आपका वेबसाइट टॉप पर आएगा, समझ रहे हैं। उसके लिए पैसा खर्च करते हैं ये लोग, तभी होता है। कुछ होंगे, कुछ कुछ ऐसे भी कंपनी होंगी जो SEO फ्री में भी अवेलेबल कराती हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल समझ आ गया। क्वेको माउटाई का नेटवर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 240.85 है, वही लिखा है, उतना ही इसका मार्केट कैप है टोटल वर्थ। इसके साथ साथ जो इसके बाद सेकेंड रैंक पर आती है, एन ही यूज़र बक इन वेब नेट, उसका नेटवर्थ जो है वो 120 बिलियन डॉलर का है। यानी कि जो इसके बाद जो सेकेंड, इसके बाद इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनी है उसका नेटवर्थ इसकी कंपनी से लगभग 120 बिलियन डॉलर कम है। मतलब सोचिए कि इसके बाद जो दूसरी कंपनी आती है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस सेक्टर से लेती है, वाइन वगैरह से या बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस को बेक कर जो सबसे ज़्यादा कमा रही है, इनकम आ रही है और रेवेन्यू आ रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके अंदर आप सोचिए टोटल जितना लोगों को इनको पैसा आता है उसमें सबसे ज़्यादा तो क्वेको माउटाई को आता है, दूसरे नंबर पर ये वाली कंपनी को आता है जिसका नाम आप अब देख रहे हो। तो एन ही यूज़र बक इन बेव को सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा इनकम आती है 120 बिलियन डॉलर की, ये इसका मार्केट कैप है। तो उम्मीद है इस पूरी कंपनी का बिजनेस मॉडल और एक एक पॉइंट सबको समझ आए हैं, सारा हमने आपको बता दिया। वीडियो बहुत लॉन्ग हुआ है, एक्चुअल में सारा समझाया हमने। किसी का कोई पॉइंट हो बताए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करें और न्यू टॉपिक्स ड्रॉप करें। और यही था इसके अंदर, मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।